हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगा टैली ईआरपी 9 पे जीएसटी का एंट्री कैसे करेंगे। अगर सेम स्टेट में अगर हम परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो उसका जीएसटी का एंट्री कैसे होगा, ये मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। अगर आउट ऑफ स्टेट परचेस या सेल कैसे होगा, ये भी हम एक और वीडियो करके आप लोगों को सिखा दूंगा। तो अभी तक आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि सेम स्टेट में परचेज या सेल्स करने में उसका जीएसटी एंट्री क्या होगा। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेंगे, अगर हम जीएसटी का एंट्री करते हैं तो उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन आएगा। टैक्स के में एक्चुअली तीन क्लासिफिकेशन आएगा। एक है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, मैं अभी सेम स्टेट में बात कर रहा हूँ। तो सेम स्टेट में अगर परचेज या सेल करेंगे तो इसमें सिर्फ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी नहीं लगेगा। अगर आउट ऑफ स्टेट परचेज या सेल करते हैं तो उस वक्त आईजीएसटी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने टैली खोल लिए हैं। टैली पे अब आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर पे। ये एक परचेज वाउचर है। तो मान लीजिए एबीसी लिमिटेड से हम कुछ कंप्यूटर खरीदेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा। यहाँ पे आप ले लीजिए एबीसी लिमिटेड परचेज अकाउंट। यहाँ पे एक कंप्यूटर का आईटीएम क्रिएट कर लीजिए। कंप्यूटर ले लिए हैं, मान लीजिए 5 कंप्यूटर खरीदते हैं 20,000 करके। तो 5 कंप्यूटर का अमाउंट हो गया 1,00,000। अब इसमें क्या क्या लगेगा, मान लीजिए एसजीएसटी इसमें लगेगा 10%। अभी तक इसका कोई रेट फिक्स नहीं हुआ है, मैं एक रेट धर के आपको कर रहा हूँ। जब अमेंडमेंट आ जाएगा जीएसटी का तब आपको पता चल जाएगा, जिस रेट में होगा आप उसी रेट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मान लीजिए सपोज 10% करके यूज़ करते, तो मान लीजिए एसजीएसटी जो लगेगा उसको भी 10% लगेगा और सीजीएसटी जो लगेगा उस पर भी 10% लगेगा। एक्चुअली ये होता क्या है जीएसटी में, ये देखिए 1,00,000 का मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ तो इसके ऊपर 10% लगेगा एसजीएसटी, मतलब इसके ऊपर जो 10% जो रेट रहेगा वो लेगा स्टेट गवर्नमेंट। एंड फिर इसके ऊपर जो सीजीएसटी लगेगा 10%, उसका जो अमाउंट होगा वो लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक लेज़र क्रिएट करते हैं, इनपुट एसजीएसटी, इसको अंडर दे दीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है अदर्स, इसको सेव कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 1,00,000 के ऊपर 10% क्या होगा, 10,000। फिर आ जाइए यहाँ पे, फिर यहाँ से एक लेज़र क्रिएट कर लीजिए ऑल्ट सी देके, इनपुट सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे दे दीजिए आदर्श दे दीजिए, इसको सेव कर लीजिए, एंटर दीजिए। यहाँ पे 1,00,000 के ऊपर 10% क्या होगा, 10,000 दीजिए। तो टोटल बिल अमाउंट हो गया 1,20,000। तो अगर हम 1,00,000 का कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर 10% एसजीएसटी लगेगा जो है 10,000 रुपये, और 10% सीजीएसटी लगेगा जो है 10,000 रुपये। टोटल हो गया 1,20,000। तो दोस्तों ये है परचेज एंट्री जिसमें जीएसटी का अकाउंटिंग ऐसे ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसको सेव कर लेते हैं। फिर हम करते हैं एक सेल का एंट्री। सेल वाउचर में आ जाइए, मान लीजिए मैं
राम को माल बेच रहा हूँ, राम सॉरी यहाँ राम क्रिएट है, सैम लिख देते हैं, सॉरी सैम भी क्रिएट है, राजू लिख देते हैं। सेव कर लीजिए। यहाँ पे एक सेल का लेजर क्रिएट कर लीजिए, इसको सेव कर दीजिए। कंप्यूटर ले लीजिए, मान लीजिए इसको 5 ही कंप्यूटर बेच रहे हैं, 25,000 टोटल आ गया, 125,000। ठीक है दोस्तों, अब इसमें टैक्स क्या लगेगा, सेम तरह का जब आप वैट में यूज किए थे, याद है इनपुट वैट आउटपुट वैट, इसी तरह यहाँ भी एक ही बात है दोस्तों। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लीजिए, आउटपुट SGST, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर रख दीजिए। तो 125,000 उसका वैल्यू है, तो इसका 10% क्या होगा, 12,500, तो यहाँ दे दीजिए 12,500। फिर यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कीजिए ऑल्ट सी देके, आउटपुट CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको आदर्श दे दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। इसका भी 10% क्या होगा, 12,500। आइए तो टोटल इसका बिल वैल्यू हो गया 1.5 लाख का। तो ये है दोस्तों सेल का एंट्री विद GST। दोस्तों हम परचेज एंट्री भी कर लिए हैं, सेल एंट्री भी कर लिया विद GST के साथ। अब टैक्स का एडजस्टमेंट क्या होगा, हम लोग को गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं और उसका एंट्री भी हम सीख लेंगे। बैलेंस शीट पे आ जाइए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे आ जाइए। तो आप देखिए, तो यहाँ पे इनपुट CGST है 10,000, इनपुट SGST है 10,000, आउटपुट CGST है 12,500 एंड आउटपुट SGST है 12,500। आप एक काम कर लीजिए, इनको एक राफ्ट पर लिख दीजिए, ये आउटपुट CGST कितना है, आउटपुट SGST कितना है, इनपुट CGST कितना है, आउटपुट SGST कितना है, ये आप एक राफ्ट पर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इसका अकाउंटिंग क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा एंड गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये भी हम दिखाएंगे। तो आ जाइए, अकाउंटिंग वाउचर पे आ गया है, आप जर्नल वाउचर पे, या आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। आप कितना पेमेंट करेंगे, पेमेंट वाउचर पे कर दीजिए। क्या होगा, आउटपुट SGST डेबिट कितना था दोस्तों, आप तो नोट कर चुके होंगे, वहाँ था 12,500। फिर इसको डेबिट कर दीजिए, आउटपुट CGST कितना था दोस्तों, 12,500। अब क्रेडिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, इनपुट SGST कितना था दोस्तों, 10,000। फिर आ जाएगा इनपुट CGST कितना था दोस्तों, 10,000। अब यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा, ये बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, देखिए तो गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों 5,000, तो 5,000 हम लोगों को गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम माल खरीदे थे कितना टैक्स दिए थे दोस्तों, 10,000 CGST, 10,000 SGST यानी कि 20,000। और जब माल बेचे थे, सेल किए थे, तब कितना हम टैक्स कलेक्ट किए थे दोस्तों, 12,500 SGST एंड 12,500 CGST। तो इन दोनों को एडजस्टमेंट करके जितना रिमेनिंग बैलेंस होगा, तो ये हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो कितना है, 5,000। तो दोस्तों ये है पूरा GST का एंट्री, अगर विद इन स्टेट में होगा तो। और
आउट ऑफ स्टेट क्या होगा दोस्तों, ये हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको पसंद हुआ तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो जितने भी न्यू वीडियोज़ है उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।